नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जहां एक ओर सीएम योगी सरकारी योजनाओं को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की कवायद कर रही है, साथ ही भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए कड़ा संदेश दे रही है। यही नहीं, सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा पात्र लोगों को दिलाने के निर्देश जिम्मेदारों को समय समय पर दे रहे हैं, लेकिन अपने पुराने रवैये पर काम करने वाले जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी को न तो सीएम की चेतावनी की परवाह है और न ही सीएम साहब की कार्रवाई का। नतीजतन लोगों को ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों और कर्मचारियों का शिकार होना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला यूपी के जनपद कानपुर देहात में देखने को मिला, जहां खाद्य विपणन विभाग के एक सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर क्रय केंद्र पर आने वाले किसानों से जमकर अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। क्रय केंद्र के सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर का किसानों से अवैध वसूली करने का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर सरकार द्वारा निर्धारित 20 रुपए की जगह 150 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मांगते नजर आ रहे हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। कानपुर देहात के पुखराया स्थित सरकारी धान क्रय केंद्र के सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर राजेश कुमार का किसानों से सरकार द्वारा निर्धारित 20 रुपए से अधिक रुपए 150 अवैध रूप से मांगने का वीडियो जमकर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर राजेश कुमार किसानों से 150 रुपए की मांग धान क्रय करने के नाम पर कर रहे हैं, जिसमें 30 रुपए पल्लेदारी का होना भी बता रहे हैं। सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर की इस कार्यशैली से क्रय केंद्र में जाने वाले किसानों को खासी परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मामलों को गंभीर मानते हुए मामलों की जांच में जुट गए हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने मामलों को गंभीर मानते हुए मामले की जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। वहीं जब सीनियर मार्केटिंग इंस्पेक्टर राजेश कुमार से मीडिया ने वायरल वीडियो के विषय में पूछा तो उन्होंने साफ तौर से इनकार कर दिया, उनका किसी प्रकार का वीडियो होने की बात को नकार कर दिया। साथ ही मीडिया के कैमरे को देख सरकार द्वारा निर्धारित रुपयों और मानकों का बखान करने लगे। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों ने भी सरकार द्वारा मात्र 20 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित होने की बात कही, साथ ही उससे अधिक रुपए लेने के मामले को गंभीर बताया और अधिक पैसे लेने को गलत भी बताया। वहीं मामले की जांच कराने की बात भी कही गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। जो मक्का और धान लेके जाता है तो किसान को कितने रुपए देने पड़ते हैं, वो किस चीज के हैं? जो भी हम लोगों के क्रय केंद्र है, सरकारी या धान क्रय केंद्र हो, मक्का तो अब समाप्त हो चुका है, उसकी अवधि समाप्त हो गई है, लेकिन जो भी किसान अपना उत्पाद लेकर जाता है उसको वहाँ पर प्रति कुंटल 20 रुपये छनाई उतराई सफाई के मद में दिया जाना है, ये शासन से निर्देश है, तो उसको नगद वहीं पर देना पड़ता है। इसके अलावा भी कोई खर्चा है क्या? नहीं, इसके अलावा कोई खर्च वहाँ वहन नहीं करना है, किसानों को कोई खर्च नहीं वहन करना है, केवल अपने साधन से लाना है, 20 रुपये प्रति क्विंटल वहाँ पर नगद देना है। सर, हमारे संज्ञान में आया है कि जो है और राज योगी के शासन में राज्य के अंदर गुंडागर्दी बंद है और एक खुशहाली, हर गरीब को छत देना है, हर गरीब को भरपेट भोजन देना है, हर गरीब को शौचालय देना है, हर गरीब को बिजली का कनेक्शन देना है और सभी लोग खुशहाल। पल्लेदारी खर्चा है? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है, कहीं ऐसा नहीं है, जो निर्धारित है वो केवल 20 रुपया है, कहीं 150 ले रहे हो, कहीं कोई बात करें, अगर इस तरह की शिकायत आती है तो तुरंत कार्रवाई की जाती है, ऐसा नहीं है। और हमारे जिलाधिकारी महोदय इस मामले में बहुत ही सख्त हैं, कहीं भी कल भी वो रसूलाबाद क्रय केंद्र पर गए थे, वहाँ भी उन्होंने किसानों से वार्ता की कि किसी भी तरह का कोई भी धनराशि 20 रुपये के अतिरिक्त केंद्र प्रभारी को, पल्लेदार को, किसी भी व्यक्ति को नहीं देना है। तो जिलाधिकारी महोदय के बार बार निर्देश आते हैं पेपर में, आप लोगों के माध्यम से भी इस चीज़ को बार बार बताया जाता है, कहीं कुछ देना नहीं। क्या नाम है आपका, किस पोस्ट में है आप? मैं, मेरा नाम राजेश कुमार है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर पुखराया फर्स्ट केंद्र। राजेश कुमार जी, जो धान या मक्का की खरीद होती है इसमें किसानों को कितना रुपया देना पड़ता है और किस मत का देना पड़ता है? नहीं, किसानों का रेट अलग अलग है, मक्का खरीद में 1850 रेट था सरकार। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि किसानों का एक्स्ट्रा पैसा जो आप लोग छनाई और लदाई 20 रुपए क्विंटल है। हाँ। किस चीज का होता है 20 रुपए क्विंटल? वही उतराई छनाई, उनका साफ कराई पूरा करके। क्या अलग अलग फसल में कोई अलग अलग? नहीं, 20 रुपए क्विंटल सरकार ने रखा है, बस वही। ठीक है, आप पर ये कहना है आपका कि आपको जो किसानों से 150 रुपए ले रहे हैं,
जिसमें 30 रुपए पल्लेदारी के नाम और राज योगी के शासन में सर आपका वीडियो है राज्य के अंदर गुंडागर्दी बंद है मेरे पास खुशहाली है हर गरीब को छत देना है हर गरीब को भरपेट भोजन देना है हर गरीब को शौचालय देना है हर गरीब को बिजली का कनेक्शन देना है और सभी लोग खुशहाल वहाँ किसान खड़े हैं आप किसान से पूछ लीजिए जो वीडियो में आप पैसे मांग रहे हो फर्जी है हाँ हाँ फर्जी होगा ठीक है सर 150 रुपये खर्चा है 150 रुपये किस चीज़ का कटता है 150 रुपये लगता है खर्चा है। वही तो सर किस चीज़ का पल्लेदारी कितना कटता है पल्लेदारी है 30 रुपये छनाई कुटाई काय का रसीद तो